मतलब ऐसे रोड रहे ना तो मजा भी आए भाई। ये बूम 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 ये बुई ये बुई। यहाँ का आप रोड देख लो भाई, क्या खतरनाक होने वाला है ना आज, अपने डेविल की जान निकलने वाली है। ऑफ रोड ये तो फिर गया, नहीं जम रहा यार, नहीं जम रहा। ओ ओ ये बुई, ओ ये बुई, अभी तो नीचे जाता मैं सीधा खाई में उस तरफ। You gonna die. क्या गलत सीन हुआ। ऑलराइट जी पब्लिक, गुड मॉर्निंग। आप लोग भाई देख रहे होगे भाई मैं क्या ही आउटडोर में जंगल में आ गया और वीडियो बना रहा हूँ। आज का जो प्लान है ना गाइस, मेरा बहुत नेक्स्ट लेवल होने वाला है। देखो जो लोग मेरे को पहले से फॉलो कर रहे हैं ना, उन लोगों को सबको पता होगा कि भाई मेरे को ना साइकिलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, राइडिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। उसमें सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद है वो है भाई ऑफ रोडिंग। पहले क्या है, मैं ऑफ रोड नहीं कर पाता था, बिकॉज क्या है अपने पास अपना फ़ोन वाला सेटअप था, फ़ोन वाले सेटअप में बहुत ज़्यादा रिस्की था, प्लस क्या है वैसा शूट भी नहीं होएगा। बट आप लोग को पता रहेगा, अभी रिसेंटली मैंने अपना न्यू गोप्रो हीरो 11 लिया है, तो प्रॉपर सेटअप मोटो व्लॉगिंग वाला हो गया। बेसिकली आज मैं डाउन हिल करने वाला हूँ, आज से पहले मैंने कभी डाउन हिल नहीं करा है, तो ये जो राइड है मेरे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाली, वो भी मैं कर रहा हूँ अपने इस कावासाकी डेविल पे। और ये देख लो भाई, ये प्रॉपर MTB साइकिल नहीं है, जो प्रॉपर माउंटेन बाइक आती है। इसके अंदर ब्रेक भी आप देख रहे हो, पीछे पावर ब्रेक लगा हुआ है, आगे डिस्क लगा हुआ है। पावर ब्रेक की वजह से तो मेरा एनी टाइम टायर जाम रहता है, बट फिर भी आज मेरे को स्टील इसका यूज करना पड़ेगा। इसके अंदर जो सस्पेंशन है वो भी काम नहीं करता है। कोई नहीं गाइस, अपन आज इस पे ही एकदम एक्सट्रीम लेवल की ऑफ रोडिंग करने वाले। ये मेरे आज तक साइकिलिंग करियर में सबसे खतरनाक राइड होने वाली है। फिलहाल गाइस मैं बहुत ज्यादा लेट हो जाऊँ तो आगे मिलता हूँ। जहाँ पे मैं आज जा रहा हूँ ना ट्रेल राइड करने के लिए, मेरे घर के यहाँ से बस 1 किलोमीटर पे ये वो है भाई, ये केलवा डैम। ये पूरा पहाड़ मैं जो जाने वाला हूँ ना, वो इस कॉर्नर में एक पहाड़ है जहाँ पे हम लोग ट्रैकिंग करते हैं, आधे घंटे की ऑलमोस्ट ट्रैकिंग। बट मैं साइकिल लेके जाने वाला, तो सोच लो भाई क्या ही होने वाला है। ऑफ रोडिंग करने जा रहा हूँ, ऑफ रोड तो यहीं से मिलने चालू होगा भाई, देख रहे हो कितना खराब रास्ता है। फाइनली 10 मिनट साइकिल राइड के बाद मैं अपनी प्रॉपर लोकेशन पे पहुंच गया। ये रही अपनी कावासाकी डेविल, एंड ये भाई यहाँ का पूरा व्यू, ये एक्चुअल में डैम है पूरा। एंड मेरे को देखो यहाँ पे जाने का, ये एज पे हम लोग ट्रैकिंग पे जाते हैं, बट मैं जाने वाला हूँ कुछ यहाँ तक। तो पहले तो यार मेरे को अपनी साइकिल को बहुत ज़्यादा ऊपर तक चढ़ाने का पहाड़ पे, एंड ये जो जंगल है ना बहुत खतरनाक है, काफ़ी घना है, काफ़ी बड़ा है, एंड काफ़ी रिस्की भी है। बट कोई नहीं गाइस, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा भाई अपना। 5 मिनट रुकता हूँ फिर चलते हैं भाई। ऑलराइट गाइस, तो आप लोग अभी देख रहे होंगे भाई मैं क्या ही खतरनाक जगह राइड कर रहा हूँ। ये साइड देखोगे तो मेरे पूरी खाई है, और ये साइड देखोगे ना तो भाई पूरा ही डैम है भाई, खतरनाक। किसी का भी ध्यान भटका तो दोनों तरफ से बंदा तो गया काम से। आगे जाने के बाद मेरे को प्रॉपर ऑफ रोड लगने वाली है, बहुत मजा आने वाला है इस राइड में। पहले तो मेरे को हिल क्लाइंब करना पड़ेगा जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, एंड आगे का रास्ता आप देखते रहो भाई, क्या ही जुब 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 गए ना, नेक्स्ट लेवल भाई। ये देखो हुई, ये भाई मजा। खैर यहाँ पे आ गए हैं, और यहाँ से अपना जो हिल है, ये जो रोड है ये अपना डाउन हिल का रोड है भाई, यहाँ से अपनी प्रॉपर ट्रैकिंग चालू होती है ट्रेल के लिए। और भाई ऑफ रोड देखो क्या ही नेक्स्ट लेवल हो रखा है मामा। ओए 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 देख रहे हो भाई, ओ क्रीम ये भाई फुल नेक्स्ट लेवल ऑफ रोड हो रही है। ओए से भाई इधर अगर मैं गिरा ना गलती से भी तो भाई ख़त्म हो जाऊँगा, लाला हो जाऊँगा लाला। बट कोई नहीं, अपने पास इतनी स्किल्स है कि अपन सब कुछ कर सकते हैं भाई। मैंने रास्ता देख लो भाई, क्या ही ऑफ रोड है, क्या खतरनाक बड़े बड़े पत्थर रखे हुए भाई। एंड जैसे जैसे आगे जा रहा हूँ, जंगल तो आप खुद ही देख रहे हो। ओ भाई चढ़ गया, अरे भाई ये तो धक्का देने पे भी नहीं चढ़ रही। खैर गाइस मैं फटाफट हिल क्लाइंब कर लेता हूँ, अदरवाइज यार वीडियो बहुत बड़ी बन जाती है। 2000 years later. फाइनली अभी भाई मैंने 20 मिनट पूरा ट्रैकिंग किया है, 20-25 मिनट, एंड अब जाके फाइनली मैं पहुंच गया अपने पॉइंट पे। हालांकि जहाँ पे मैं अभी हूँ ये वो टॉप पॉइंट नहीं है, टॉप पॉइंट तो यहाँ से और मेरे को 15-20 मिनट लगेंगे, टॉप तक जा भी नहीं सकता भाई अपनी साइकिल लेके, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खड़ी चढ़ाई है। बट एनीवेज गाइस मैं उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे हूँ, और यहाँ से ना गाइस मैं डाउन हिल करने वाला हूँ। अभी भी मैं पहाड़ पे बहुत ज्यादा ऊंचाई पे खड़ा हूँ, आप लोग ऐसा नहीं समझेगा, बिकॉज मेरे चारों तरफ अगर आप देखोगे तो आप लोगों को जंगल ही जंगल दिखेगा। यहाँ अपनी कावासाकी डेविल लगी है, एंड अपनी डेविल की हालत देखो भाई क्या हो गया, मतलब ये साइकिल इस चीज़ के लिए नहीं बनी है, फिर भी मैं इसको यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि मैं हरामी हूँ। सब क्या देखना पड़ रहा है, फटाफट मैं रेडी हो जाता हूँ फिर आपको मिलता हूँ भाई सेटअप पे गोप्रो। गाइस तो अभी भाई मैं कहाँ पे हूँ ना, मैं आप लोग एक अच्छे तरीके से सेल्फी स्टिक के थ्रू मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो आप लोग मेरे पीछे देखो पूरा,
पूरा पीछे देख लो भाई, जंगल ही जंगल है यहाँ पे। अपनी कावासाकी डेविल है देख रहे हो, दिस वन एंड आई अकेले। एंड यहाँ पे सिर्फ जंगली जानवरों की साउंड सुनाई दे रही है बस। फिलहाल भाई फाइनली मैंने अपने जो राइडिंग गियर से वो पहन लिए, देख रहे हो भाई। बांधने का तरीका थोड़ा अपना कैजुअल है, बट कोई नहीं गाइस, अपना काम हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि मैंने जो अपने साथ कुछ फ्रूट लेके आए हैं वो मैं खा लूँ एंड उसके बाद ही जाओ भाई, बिकॉज एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, तो ये निपटा लेते हैं। वैसे शिव जी का प्रसाद है और आज वैसे भी सोमवार है, तो अपन प्रसाद खा के ही जाते हैं। देख रहे हो भाई ऑफ रोड क्या करना है, लकड़ी वकड़ी अपने इसके अंदर फंसने लगी है। बिना भाई मेरे को अपनी सीट नीचे करनी है, सीट ना काफ़ी ज़्यादा ऊपर कर रखी है नॉर्मली रोड के लिए, तो ऑफ रोडिंग में मेरे ख्याल से जितनी सीट नीचे रहेगी ना थोड़ा सा कंफर्टेबल मेरे को होएगा। बिकॉज यार कहीं कहीं पे ना ब्रेक पैर से मारना पड़ता है, अगर ब्रेक काम नहीं किया तो वहाँ पे अपने पैर पहुँचने चाहिए। अभी फाइनली अपना प्रॉपर सेटअप सब कुछ हो चुका है, राइडिंग गियर भी सारे मैंने पहन लिए, तो अभी मैं डाउनहिल के लिए रेडी हूँ। मैं कैमरा एंगल का बस मेरे को प्रॉब्लम है, यहाँ का आप रोड देख लो भाई क्या खतरनाक होने वाला है ना, आज अपने डेविल की जान निकलने वाली है जहाँ तक मुझे लग रहा है। प्रॉपर ऑफ रोडिंग करना है ना तो प्रॉपर ऑफ रोड वाली बाइक रहनी ज़रूरी है, एंड मेरे पास जो बाइक है ये प्रॉपर ऑफ रोडिंग वाली नहीं है भैया कुछ, तो यहाँ से मैं निकलता हूँ फट 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 फट। आप लोगों को पता है मेरे को इस चीज़ का कोई नॉलेज नहीं है, तो मेरे को एक्सपीरियंस करना है, बिकॉज ये सारी जो है ना ऑफ रोडिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसके लिए मैं ऑफ रोडिंग कर रहा हूँ, बिकॉज आई लव ऑफ रोडिंग। सो भाई थोड़ा रास्ता चांगला मिला है, निकालते हैं फटाफट। ओ ओ ओ भाई ओ ओ क्या ओ ओ ब्रेक 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 ब्रेक, लिटरली रास्ता देखो क्या ही रास्ता है। यहाँ पे तो लगता है मुझे धक्का ही देके चलानी पड़ेगी, नहीं तो साइकिल तो जाएगी, मेरे जाने के भी वांदे हो जाएंगे। ओके ओके, तो ये जो रास्ता है यहाँ पे अपन ऑफ रोड करेंगे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ, चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ये बुई कम ऑन कम ऑन कम ऑन, ये इजी 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 ब्रो इजी। ओए ओए तो भाई अपना रोड आ गया फटफट, थोड़ा सा सही वाला, मतलब ऐसे रोड रहे ना तो मज़ा भी आए भाई। ये बूम 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 बूम, ओ ये बुई ये बुई ये देखो प्रोफेशनल बनना है तो सारी चीज़ें बेसिक से ही करनी पड़ेगी है ना। ओ, ओ, गया गया भाई गया, डेविल गिर चुकी है। एनीवेज बच गया, खैर निकलना है भाई निकलना है, थोड़ा तो रोड सही है। आई मीन रोड रोड क्यों बोल रहा भाई, ऑफ रोड है ये तो। फिर गया, नहीं जम रहा यार नहीं जम रहा है, बट मैं जमाऊंगा भाई, करूंगा ऑफ रोड तो करूंगा करूंगा भाई। चल चल तेरी तो, चल चल रे भाई चल चल, मेरा नाम भी जड़े चिट्टू है, मैं जो छोड़ता हूँ वो करता हूँ। ओहो क्या ही निकाला है मैंने उन दो पत्थरों के बीच से। ओ ओ ये बुई ओ ये बुई, अभी तो नीचे जाता मैं सीधा खाई में उस तरफ। खैर ये वाला रास्ता है भाई थोड़ा सा सही, जहाँ पे मेरे को डाउन यानी जंगल देख रहे हो, सही जंगल को रखा है। ये बुई डाउन हिल का तो एक्चुअली मज़ा मेरे को लग रहा है यहीं से। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओके ओके इजी इजी बुई इजी 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 इजी। आगे का टायर तो निकल जा रहा है, पीछे का टायर जा रहा है, इतना कन्फर्म है टायर पंचर तो हो गया अपने दोनों भी आज के राइड पे। इजी 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 ओहो ओहो ओ भाई ये फिर हिल क्लाइम करना आ गया। ओ कोई नहीं गाइस, कहीं कहीं तो हम धक्का मार के चढ़ाएंगे, बट एनीवेज इस राइड को एंजॉय तो कर रहा हूँ मैं, मज़ा तो आ रहा है। ओके वैसे इतनी आसान नहीं है ऑफ रोडिंग और इतनी हार्ड भी नहीं है,
जितने लगती है, बट स्किल्स रहनी चाहिए तो ही इजी है भाई, अदरवाइज यू गोना डाई। क्या गलत सीन हुआ, बच गया। एक्चुअली मैं यहाँ से बहुत ज़्यादा स्पीड में आया, यहाँ पे आने के बाद थोड़ा डिसकंट्रोल हो गया भाई। नसीब मेरे गिरने मेरे को सब बचा लिया। अपनी डेविल, कोई नहीं डेविल, मेरी जान है तू, तेरे कुछ हुआ तो नहीं ना। आई लव यू मेरी दोस्त, तू इतनी जगह ऐसी जगह भी मेरा साथ दे रही, दैट मीन्स तू मेरे लिए भगवान है रे, देव मानो से तू मेरे लिए। ब्रेक सेट कर लूँ, फिर गई भाई। एक्चुअली सीन क्या है ना, मेरे में पीछे पावर ब्रेक है, आगे डिस्क है। पावर ब्रेक मार रहा हूँ साइकिल जाम हो जा रही है, डिस्क मार रहा हूँ तो साइकिल पलटी हो जा रही है डायरेक्ट। सो उस वजह से मेरे को थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, बट होप मैं इस तकलीफ को अच्छे से इंजॉय कर लूँगा। ये भूई काफ़ी अच्छी तरीके से मैं नीचे तो उतर गया, मैं अभी यहाँ से बहुत ऊपर था एंड अभी काफ़ी नीचे आ चुका हूँ। मज़ा तो आ रहा है। कहाँ गया पैंडल, कहाँ गया, चल चल चल। ये भूई क्लाइम हो गया, ये भूई, ये भूई, ये अरे यार नसीब गाइस शूज़ पहन के आया। देखो अभी मेरे को शूज़ से लग, शूज़ पे लग गया भाई एक बहुत ख़तरनाक कीड़, तो अपने शूज़ पे लगाए। लिटरली मैं शूज़ नहीं डालने वाला था, मन बाद में आता है भाई ऑफ रोड पे जा रहा हूँ, शूज़ डालना इस कंपलसरी, जितने सेफ्टी के रहे सारे कंपलसरी। हो रास्ता देख रहे हो क्या ख़तरनाक ऑफ रोड है भाई, बहुत सारे लोगों को ना ये सारा रास्ता ईजी लग रहा होगा जो लोग प्रो लेवल के हैं, बट मैं बता दूं भाई मेरे लिए बहुत हार्ड है, बट इतना भी नहीं कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ भाई। एंड कोई काम ऐसा नहीं है जो मैं नहीं कर सकता हूँ या कोई और बंदा नहीं कर सकता है। खैर गाइस फाइनली भाई मैं डाउन हिल कर चुका हूँ, अभी यहाँ से नॉर्मल रास्ता है, हालाँकि ऑफ रोड है। डाउन हिल तो कम्प्लीट कर लिए, अब बाहर निकलने के लिए मेरे को ये एक हिल क्लाइंब करनी है, फिर से चढ़ाई वाला रास्ता है। सो ये देख रहे हो भाई मैंने गियर शिफ्ट कर रखा है एंड ये ऑफ रोड के फुल्ली मज़े लेते हुए मैं निकल रहा हूँ। एंड होपफुली गाइस आप लोगों को मेरी ये जो ऑफ रोड वाली वीडियो थी काफ़ी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। नहीं लगी होगी तो भी कमेंट करके आप ज़रूर बताना। या बुम 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 बुम, ये बुई फाइनली एग्जिट, वहाँ पे छोटी मोटी ऑफ रोड है वो निपटा लेते भाई। हुई टाइम पे ब्रेक नहीं लगाना, सीधा वो डैम के पानी में मिलूंगा भाई। ये बुई ये भूल, हो मेरे को यकीन नहीं आ रहा भाई, मैं कहते प्रोफेशनल राइडर की तरह राइड कर रहा हूँ भाई। ये भूल, एक ड्रिफ्ट हो जाए भाई, एक ड्रिफ्ट हो जाए इसी बात पे। ओ भाई क्या ड्रिफ्टिंग दी स्केट था, बहुत सही था। मैंने ये वाला पहाड़ क्लाइम किया था, वहाँ से फिर मैं डाउन हिल करते करते ये रास्ते से आया, तो काफ़ी मज़ेदार रही मेरी ये राइड। होपफुली आगे और अच्छे से करूँ मैं, ये तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। होपफुली आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया रहेगा, अभी से आपने वो हर संडे व्लॉग देखने मिलेंगे। जितने भी पब्लिक है भाई रेडी रहो, हर संडे इसी तरह कोई खतरनाक खतरनाक व्लॉग आएगा, बिकॉज तुम्हारे भाई ने अब गोप्रो ले लिया है। इस व्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, बाय बाय।